हूं कि आप लोग एक नई फिल्म रिलीज करने जा रहे हैं डोली सजा के रखना, जिसके पोस्टर लगे हुए हैं। मैं चाहता हूं कि सर गाइस फिल्म के बारे में बताएं, आप पत्रकारों को आज क्या जानकारी देना चाहते हैं? सबसे पहले जितने भी हमारे पत्रकार महोदय हैं सबको दिल से प्रणाम और स्वागत है आप सबको डोली सजा के परिवार, डोली सजा के रखना के परिवार में। आप लोगों ने अपना बेशकीमती समय हमें दिया और हमें कुछ बोलने का मौका दिया। और डोली सजा के रखना एक पारिवारिक फिल्म है हमारी, एक बाप बेटी के रिश्ते के ऊपर कहानी है कि जिस चीज़ को हम सोचते हैं कि ये गलत है और हमारे माता पिता हमेशा उस चीज़ को अलग और हमारे करियर के लिए, हमारी बेहतर के लिए सोचते हैं। और अमरपाली जी ने बहुत बेहतर काम किया है, हमारे देव भैया ने कुछ दिन तक हमारे सिनेमा को संभाला था क्योंकि रजनीश भैया कहीं बिजी थे, तो उन्होंने भी बहुत प्यार दिया। रजनीश भैया ने ये सिनेमा को बेहतर लिखा है, इसमें म्यूजिक डायरेक्टर छोटे बाबा आर्या शर्मा और रजनीश मिश्रा जी, उन्होंने बेहतर तरीके से अपना काम किया है और हम भी बेहतर है किए होंगे। जब आप सिनेमा देखेंगे तो समझ में आएगा अपने मुँह से अपन बड़ाई करके क्या करेंगे हम, जब पब्लिक जो अच्छा मानती है उसी के लिए हम बने हैं और कोशिश हमारी रहती है कि हम बेहतर सिनेमा के हिस्सा बने। रोशन जी फिल्म कब तक आ रही है थिएटर्स में, क्या डेट डिसाइड हुई है रिलीज की? सेकंड चैप्टर की प्लानिंग है हमारी, प्लानिंग है क्लियर, इसको क्लियर मत समझिएगा। नहीं नहीं ये क्लियर है, और भूल जाता है तो गड़बड़ हो जाता है सर, आप नहीं समझते हैं, गड़बड़ हो जाता है तो फिर आप फंस जाइएगा। देखिए हमें मैंने 2 सितंबर को हमें रिलीज करना है, लेकिन अब आपदा कब आ सकती है, क्या हो जाएगा, क्या गड़बड़ होगा इसकी, अगर कुछ भी सब कुछ क्लियर रहा तो 2 सितंबर को हमको कम्प्लीटली 99% आने वाले। 1% में दुविधा ये है कि कुछ भी हो सकता है, बिहार की बातें हैं, बिहार में हमेशा देखते हैं बम फूटते रहता है, मैंने मैंने कुछ गड़बड़ चीज़ें होती रहती है तो उसमें कुछ ऊपर नीचा अगर कुछ प्रॉब्लम हुई तो ही शायद हो सकता है, अदरवाइज 99% हमारा मोटो ये है कि हम 2 सितंबर को ही बिहार में ऑल इंडिया मैंने बिहार झारखंड से लेकर यूपी बंगाल जितना भी है थिएटर हर जगह एक साथ ओपन हो रहा है सिनेमा। जी रोशन जी किस तरह की तैयारियां चल रही हैं फिल्म को एक ग्रैंड रिलीज देने के लिए? हम लोग हर संभव प्रयास कर रहे हैं, अभी सारे थिएटर्स में फिल्म के ट्रेलर्स चल रहे हैं, सारी जगह प्रमोशनल एक्टिविटीज जो होनी चाहिए हम लोग कम्प्लीट स्टार्ट कर चुके हैं और अभी से हमारे स्टाफ सारी लाल जी काफ़ी सपोर्ट में उतर गए हैं, अभी डेफिनेटली फिल्म को हमें लगता है कि अच्छी सक्सेस मिल सकती है, सारी जी का साथ है। और जिस तरह से सिनेमा टू सिनेमा जाके प्रमोट करते थे, ऑडियंस के बीच जाते थे खेसारी जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, हालांकि आपके जाने से बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो जाती है, उसे कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन क्या इस फिल्म के प्रमोशन के लिए आप थिएटर्स में जाएंगे इस बार? देखिए लोगों का भीड़ अगर आया तो जिस हिसाब से रॉडी स्पेक्टर बहुत दिन बाद मिली और एक साउथ के डायरेक्टर के साथ मैंने किया और उसका 2.5 साल का रिकॉर्ड टूटा यूपी में भी और बिहार में भी अच्छी ओपनिंग लगी, तो धीरे धीरे लोग आ रहे हैं, बेहतर सिनेमा बनेगी तो आएंगे और आएंगे तो मेरी कोशिश रहती है, मैं उनसे दूर कभी नहीं रहा, मेरी कोशिश रहती है कि आजकल मीडिया के थ्रू जो चीज़ें हो रही है घर घर पहुंच जाती है और हॉल में जब आदमी जाता है तो गैदरिंग बहुत ज़्यादा होती है, उसमें नुकसान हॉल मालिक का हो जाता है, क्योंकि मैं जाता हूँ जब भी जिस शहर में भी गया हूँ लोगों का प्यार इतना ज़्यादा मिलता है मुझे, तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है और हॉल मालिक को प्रॉब्लम हो जाती है और दिक्कत हो जाती है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि अगर हॉल तक हमारी ओपनिंग अच्छी रही तो हम ये भी कोशिश करेंगे कि फिर से दोबारा हॉल तक पहुँच के और लोगों तक अपनी चीज़ों को बताया जा पहुँचाएँ। रोशन जी क्या फिल्म एक बार जो मल्टीप्लेक्सेस हैं उसमें स्पेस मिल पाएगा इस बार डोली सजा के रखने को? हम लोग कोशिश कर रहे हैं इस समय दिल्ली के मल्टीप्लेक्स में फिल्म रिलीज करने की और बिहार में हम लोग थिएटर्स में फिल्म रिलीज कर रहे हैं और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लोग आएंगे। खेसारी जी जो फिल्म डोली सजा के रखना हमने देखा कि ट्रेलर जो है काफी लोगों ने पसंद किया, 1 महीने के अंदर बहुत सारे 5-6 मिलियन व्यूज जो है वो मैंने देखे, आपको लगता है कि फिल्म का वो कौन सा हिस्सा है जो ऑडियंस को सबसे ज्यादा पसंद आएगा या उनके दिल को छू जाएगा और जिसकी फैन जिसके दीवाने हो जाएंगे? देखिए हमारी जो जनता भोजपुरी की जनता है इमोशन पे हमेशा चलती है, क्योंकि देखा जाए तो इमोशन के मामले में यूपी बिहार जो ऐसा राज्य है जहाँ पे रिश्तों की अहमियत बहुत ज़्यादा होती है, लोग फूआ मामा दादा, आज की जनरेशन में ऐसा है कि अपने दूसरे पीढ़ी का नाम तक बच्चे नहीं जान पाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ जो इमोशन है ना वो कहीं ना कहीं लोगों को बहुत अच्छा लगता है और हमारा इमोशन ही है जो लोगों को कहीं ना कहीं खींच के लाएगा, क्योंकि एक बाप बेटे का रिलेशन है,
एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिलेशन, एक रिश्तेदारी, तो सारी चीज़ें उस मूवी में हम कोशिश किए हैं, कॉमेडी से लेकर इमोशन से लेकर गाने तक। उसका एक बहुत बड़ा गाना भी हिट हुआ है, पागल बन के भागल फिरी होते बड़ा इंसल्टी बार कि तोरा दिल के गलती बार कि मोरा दिल के गलती बार। ये प्यारा गाना सॉन्ग और इस गाने को आर्या शर्मा जी ने किया है, तो कहीं ना कहीं मैं हमने कोशिश की है और इसमें 7-8 गाने हैं और सारे कमाल के गाने आपको देखने को मिलेगा। और हमारे पाली जी अद्भुत एक्टर हैं, तो उनके साथ बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है क्योंकि वो समझदार बहुत हैं और चीज़ों को समझती हैं। और हमारे रोशन जी ने खर्चा करने में भी कोई इतना भी नहीं सोचा कि हाँ क्या ये ज़्यादा हो रहा है कम हो रहा है, नहीं, इन्होंने बोला कि सिनेमा के लिए जो बेहतर होगी हम करेंगे, इन्होंने किया है। तो जब अच्छे प्रोड्यूसर मिलते हैं तो हमें भी मज़ा आता है कि सर हमारी जो चीज़ बनने वाली है वो बाकायदे पूरी तरह अच्छे से बन सकती है। सर जिस तरह से फिल्म आपकी आई थी मेहंदी लगा के रखना और उसके बाद फिल्म आ रही है अब डोरी सजा के रखना, शादी ब्याह के आसपास की ये फिल्में हैं, आपको लगता है एक बड़ी कामयाबी जो है जिस तरह से मेहंदी लगा के रखना ने बनाई थी उस दौर में, क्या उसी तरह की किसी कामयाबी को ये फिल्म रिपीट कर पाएगी? बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं उसी मोटो को पकड़ के हम लोग शादी ब्याह की बोला कि आजकल हमारे यहाँ तो लव मैरिज बहुत कम ही होता है, हम लोग अरेंज मैरिज पर ज़्यादा विश्वास करते हैं और वैसा ही है और चीज़ें उसने वैसा ही दिखाई कि मेहंदी से करीब हम बेहतर ही इस सिनेमा को बनाए हैं। ठीक है, जो चल जाता है वो बेहतर हो जाता है, लेकिन हमने कोशिश की है उससे बेहतर करने की, लोगों का रिस्पॉन्स होगा। रोशन जी, मेरा सवाल ये है कि राउडी इंस्पेक्टर अभी रिलीज हुई और अच्छा रिस्पॉन्स मुझे थिएटर्स में मिल रहा है, कई कई जगह पर तो उसे आप बॉलीवुड फिल्मों से भी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, आपको लगता है ये जो मोमेंट है, ये जो पर्टिकुलर सीजन है, ये फिल्म के लिए बहुत बेहतरीन है या शायद सबसे बढ़िया है? ये तो होता ही हमेशा से, जब भी इससे पहले की कोई फिल्म अगर अच्छा कर जाती है तो आगे आने वाली फिल्मों को फायदा मिलता है और अगर एक फिल्म और भी अच्छी है तो और ज़्यादा आपको रिस्पॉन्स मिलने के चांस होते हैं इससे। और डेफिनेटली जब साथ में सारे जी हों, अमरपाली जी हों और काफ़ी अच्छे एक्टर हैं, फिल्म अच्छी बनी और लोग आएंगे इससे। सर एक फिल्म से रिलेटेड कोई ऐसी चीज़, कोई किस्सा जो कि शूट से रिलेटेड बहुत जो कि यादगार रहा हो, पूरी सजा के रखना चाहिए? हमारे जीवन में हर एक दिन एक यादगार ही होता है, मेरे जीवन में हर दिन एक नई चीज़ें होती है, तो उसमें हर दिन एक नई चीज़ें होती थी क्योंकि हम लोग जो भी काम करते थे तो देखिए एक तो लोकेशन वहाँ का होता था, हमारे गोरखपुर का लोकेशन था, तो हम जब भी जाते थे तो कुछ नया ही मिलता था हम लोगों को, कुछ पब्लिक के तरफ से तो कुछ यूनिट के तरफ से, तो चीज़ें तो डेली हर जीवन में हर आदमी के जीवन में कुछ ना कुछ डेली नया ही होता है और हम भी कोशिश करते हैं कि हमें नया चीज़ मिले ताकि हमारे लिए चुनौती साबित हो और उस चुनौती के साथ हम अपने काम को करते हैं। सर बिहार में ये कहा जा रहा था, मुझे पता नहीं इसके बारे में बहुत ज़्यादा मुझे जानकारी नहीं, कि नाइट शोज कई सारे शोज में नहीं चल रहे थे, कई सारे थिएटर्स में नहीं चल रहे थे, शायद वहाँ पर सिक्योरिटी का जो मामला था वो रहा होगा, गवर्नमेंट बदल गई, आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा सपोर्ट जो है वो नई सरकार की तरफ से फिल्मों को इंडस्ट्री को मिलेगा? देखिए बात बताएं आपसे, जब तक हम कुछ सपोर्टिव नहीं होंगे ना सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर सकती, सरकार को करना होगा तो मुझे लगता है कि बहुत पहले ही हो चुका होगा। और मैं बोला भी हूँ कई बार कि सरकार नहीं चाहेगी तो हमारे लिए मल्टीप्लेक्स वहाँ नहीं होगा, तो सरकार को ही आगे आना पड़ेगा, हम तो सिर्फ काम ही कर सकते हैं और सरकार चाहेगी। देखिए सरकार बदली है तब क्या होता है, सरकार तो एक बार और भी बदली थी, बट देखिए नियति अगर अच्छी हो ना तो दुनिया में कोई भी काम करना बहुत कठिन नहीं होता और आपको सफलता मिलती है। अब वो किस हिसाब से सरकार बदली है, उनका नियत करने का क्या है, अभी वही बता सकते हैं क्योंकि हम लोग तो एक आर्टिस्ट आदमी, कलाकार आदमी और हमें अपनी कलाकारी करने अच्छा आता है, हम बेहतर गा सकते हैं, बेहतर एक्टिंग कर सकते हैं, बेहतर कहानियों पे काम कर सकते हैं, हम इंजीनियर तो बन गए हैं बट अगर हमें ज़मीन ही नहीं मिलेगी तो हम मकान कहाँ बना पाएंगे, तो मकान बनाने के लिए अगर ज़मीन हमारी सरकार देती है और हमारी शुभकामना है उस सरकार के जितने भी मंत्री हैं, जितने भी लोग हैं, सबको मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामना, इस नई सरकार के साथ शायद कुछ बेहतर हो सके, अगर फिल्म नीति आ जाए वहाँ पे, फिल्म सिटी बन जाए, मल्टीप्लेक्स हो जाए, हॉलों की स्थिति सुधर जाए, थिएटर की स्थिति सुधरेगी तो लोग ऑफिस ही आएंगे क्योंकि अब पहले वाली स्थिति तो है नहीं, आज हर आदमी के पास अच्छे पैसे हैं, वो बेहतर सीट देखते हैं, बेहतर थिएटर चाहते हैं, बेहतर साउंड के साथ देखना चाहते हैं, तो अगर वो सारी चीज़ें बेहतर अगर हो गई और सरकार की तरफ से हमें हेल्प मिल गया
तो हमारी भी सिनेमा साउथ से कम नहीं है और हम ही उतने खर्चा करकर बनाने की क्षमता रखते हैं, उतनी बेहतर एक्टिंग करने की कोशिश करेंगे हम भी ताकि हम बेहतर कर सकें। तो बेहतर जब चीज़ें मिलती है फिर भी उसके बावजूद हमारे पास व्यवस्था तो कुछ नहीं है, उसके बावजूद भी हमने हमेशा कोशिश किया है एक बेहतर सिनेमा बनाने की और हमारी पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री हमारे साथ है और कोशिश हम करते हैं, हम कोशिश ही कर सकते हैं। अब सरकार क्या करती है, जो सरकार में है वही बता पाएंगे कि वो फिल्म नीति के लिए क्या करती है और फिल्म दुनिया के लिए क्या करती है। डोली सजा के रखना के शूट के दौरान और वैसे तो मैंने देखा कि ट्रेलर काफी हिट हैं और कोई किस्सा कथन में याद आता है अपनी शादी का जो कि कथन लाल यादव पे याद आ गया हो डोली सजा के रखना के दौरान जो शेयर करना चाहें। हम अपने शादी में तो 4 बजे भोरले स्टेज पर थे तो कोई शादी की नाटक वो तो शादी हो गया होगा मेरा करीब करीब सिनेमा में। हाँ इससे तो एक ही है, उसके बाद कुछ नहीं है, उसके बाद खाली आता जाता रहता है, जीवन चलता रहता है और हीरोइने हमारी काम करती हैं तो एकदम बीवी की तरह ही रहती है ना। जिस सिनेमा में हम हर के आधार पर पति और पत्नी के हिसाब से ही करते हैं तो हमारी कोशिश से कोई खिस्सा ऐसा है नहीं मेरा, हमने बेहतर काम करने की कोशिश की है और सबने अपना अपना सपोर्ट दिया है, सबने अपना 100% दिया है। बाकी आगे जनता का मर्जी क्या है तो इसके बाद ही समझ में आएगा, बट हमने बेहतर करने की कोशिश की। सर आपने कहा जिसकी सरकार की तरफ से सपोर्ट मिलना चाहिए लेकिन भोजपुरी की जो एक्टर्स हैं वो तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मतलब निरोबा जी, रवि किशन जी, तो क्या ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है कि मतलब इतने बड़े मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के बावजूद इंडस्ट्री को सपोर्ट नहीं मिल पा रहा। मुंबई की जो थिएटर्स की थी, अगर आप अंधेरी का एक थिएटर है वो भी बंद हो गया अभी भोजपुरी का, तो आप मतलब एक्टर ही मतलब चाहे तो वो कर सकते थे। रवि किशन जी वो इतने हर मुद्दे पर बॉलीवुड के मुद्दे पर बोलते हैं हर वक्त लेकिन वो अपने इंडस्ट्री के लिए कुछ नहीं कर पा रहे। ये निरोबा जी भी तो है इंडस्ट्री के बड़े, आप डायरेक्टर रजनी जी को ऐड कर लीजिए प्लीज। हाँ केसारी जी, मुझे लगता है कि क्या कंसेंसस नहीं है मतलब एक्टर्स लोगों में या डायरेक्टर लोगों में। अब ये सवाल तो मुझे लगता है कि रवि भैया, दिनेश भैया और मनोज भैया बेहतर बता पाएंगे कि भोजपुरी के लिए उन लोगों ने देखे अपने जीवन में भोजपुरी के लिए उन्होंने बहुत कुछ दिया है। ऐसा नहीं कि आज उनके दिए हुए उनके बनाए हुए जमीन पे आज हम लोग अपना काम करते हैं और जो पैसे कमा रहे हैं और अपना नाम भी कर रहे हैं तो उनको हम गलत नहीं बोल सकते क्योंकि वो पार्लियामेंट हो सकते हैं, वो हिस्सा है, वो सरकार के भी हिस्सा हो सकते हैं, बट उनका जितना सरता होगा वहाँ पर मैं तो हूँ नहीं, उसके लिए मुझे भी 5 साल इलेक्शन लड़ना पड़ेगा और हम जाए वहाँ पार्लियामेंट बने, बनने के बाद ये सारी फिल्म सिटी का निर्माण करके फिर से हम दोबारा चले हैं ये तभी संभव। बट देखिए सबका अपना नीति होता है, जैसे हमारे सिनेमा में बहुत सारे किरदार होते हैं उसका मालिक हमारा डायरेक्टर होता है, उसके ऊपर का मालिक हमारा प्रोड्यूसर होता है। तो अगर कोई कहे कि मेरी क्यों नहीं सुनी जा रही, मेरी क्यों नहीं सुनी जा रही, तो वहाँ बहुत सारे सिचुएशन होते हैं और उसमें सबका सुनना होता है। तो चाहे नरेंद्र मोदी जी हों, योगी जी हों, या नीतीश जी हों, या तेजस्वी जी हों, दुनिया का कोई भी सरकार है, तो सिर्फ एक हमारी बातें तो वहाँ सुनी नहीं जाएगी। बट अगर उन लोगों को जिस दिन लगेगा इस बात को कि नहीं यार फिल्म सिटी अगर बिहार में भी बन जाए, सब्सिडी का प्रतिबंध उपलब्धि अगर बिहार सरकार में भी हो जाए तो चीज़ें बड़ी होगी, हॉलों को सुधारना चाहिए, थिएटर सुधर जाएंगे तो हमारी भी चीज़ें बेहतर होती जाएगी। हम बेहतर थिएटर ना देके भी अपने सिनेमा को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग बेहतर काम करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन थोड़ा सा सरकार का अगर मदद मिल जाएगा तो शायद मुझे लगता है कि हमारी सिनेमा भी बहुत बेहतर हो सकती है और बेहतर कमाई कर सकती है। रजनी जी आज डायरेक्टर हैं और सर आपकी फिल्म जो है आपने कुछ देखी हुई है कि आपने कुछ देखी हुई और खुद डायरेक्ट भी किया है, कहानी की कहीं से रिलेवेंसी है, कहीं आपने इस तरह से देखा था सुना था या फिर आपकी जो है ये आपकी व्यू की तरह से सोचता था। देखिए सबसे पहले मैं सबको प्रणाम करता हूँ, आप सबके जो भी चैनल्स हैं उसके दर्शकों को प्रणाम करता हूँ और ये फिल्म जो है डोली सजा के रखना वो हम लोग मेरी और खेसारी जी की बहुत दिन पहले से इच्छा थी इस कहानी को हम लोग करें और सर ने अपनी सहमति दी उसके ऊपर तो हमने इस फिल्म को बनाने की कोशिश की। ये कहा गया है कि आप जो देखते हैं वही आप दिखाने की कोशिश करते हैं, आप जो पढ़ते हैं वही पढ़ाने की कोशिश करते हैं और जो आप सुनते हैं वही सुनाने की कोशिश करते हैं।
एक अंधा आदमी किसी को कुछ दिखा नहीं सकता, एक बहरा किसी को कुछ सुना नहीं सकता, उसी भांति एक दर्शक जो एक जो डायरेक्टर होता है अपने दर्शकों तक वही चीजें परोसता है जो कहीं ना कहीं आपको समाज में देखा हो या पुस्तकों में पढ़ा हो या फिल्मों के माध्यम से देखा हो, वर्ल्ड सिनेमा में देखा हो, उसी से इंस्पायर्ड होता है, उसी को देखता है और अपने विधा में अपनी काबिलियत के हिसाब से उसको गढ़ करके और अपने दर्शकों के बीच में अपने स्टाइल के माध्यम से अपनी भाषा अपनी संगीत के माध्यम से उसको परोसने की कोशिश करता है। तो ये जो फिल्म है, मैंने भी अपना जो कल्चर देखा है, अपना जो समाज देखा है, अपनी चीज़ों को देखा है, वहाँ से इंस्पायर्ड हुआ हूँ। बाकी जो फिल्में आदमी देखते रहता है, चाहे वो साउथ की फिल्में हो, चाहे वो विदेशी फिल्में हो, चाहे वो फिल्में अपने बंगाल की हो, राजस्थान की हो, तो हर जगह की फिल्मों से इंस्पायर्ड होकर के कोशिश हम लोग करते हैं कि अपने दर्शकों तक भी एक अच्छी स्वस्थ मनोरंजन परोसे। उन्हीं के बीच की एक कड़ी है डोली सजा के रखना, जो स्टोरी मुझे भी काफ़ी अच्छी लगती थी और वो स्टोरी खेसारी जी को भी बहुत अच्छी लगी और हमारे प्रोड्यूसर साहब ने भी उसके ऊपर हम ही भरा कि हाँ ये अच्छा है, तो हम लोगों ने मिल के बनाया। सर, संगीत आपकी फिल्मों का हमेशा उमदा रहा है और लोगों की तरह जी संगीत कोशिश चूँकि हम लोग अपने जो स्टार हैं हमारे वो हम बेसिकली हम तीनों संगीत से ही रिलेटेड, हमारे स्टार जो हैं वो हमारे जो प्रोड्यूसर साहब हैं और मैं खुद एक म्यूजिक डायरेक्टर रहा हूँ और जो हमारे हीरो हैं उनकी पहचान ही संगीत है, वो गीतों के माध्यम से और संगीत के माध्यम से ही इंडस्ट्री में आए हुए हैं और हमारे जो प्रोड्यूसर साहब हैं वो उनकी म्यूजिक कंपनी है, तो म्यूजिक कंपनी से ही वो प्रोडक्शन की लाइन में आए कि आज फिल्में बना रहे हैं। तो हम लोगों ने अपनी तरफ से इन्होंने कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या चल सकता है, क्या बाजार बहुत पसंद करेगा, उसके हिसाब से इन्होंने संगीत को तरजीह दिया है। मैंने सिनेमा में क्या चीजें अच्छी होगी, क्या बहुत अच्छा लगेगा, उसके हिसाब से जो कहानी के हिसाब से जाए उस पर फोकस किया और जो खेसारी जी हैं चूंकि स्टार हैं हमारी फिल्म के और संगीत से रिलेटेड हैं तो इन्होंने भी अपना जो इनपुट दिया वो इस माध्यम से दिया कि संगीत फिल्म को भी अच्छा लगे वो गाना और प्लस उसका कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा हो। तो इस फिल्म का गीत संगीत बहुत ही प्यारा है, बहुत बढ़िया है। रजनीश जी, उस फिल्म में आप कीजिए मेहंदी लगा के रखना जो आप डायरेक्टर और आज इस फिल्म को डोली सजा के रखना, इसमें इन दोनों फिल्मों की जो जर्नी है खेसारी लाल यादव में कोई एक चीज बदली नजर आई आपको? उस फिल्म से मेरे अंदर कुछ बहुत बड़ी बदलाव आई कि मैं वो मेरी प्रथम फिल्म थी और पहली बार मैं डायरेक्शन कर रहा था, उसके पहले मुझे डायरेक्शन का कुछ पता नहीं था, तो उस समय वो प्रथम अध्याय था। उसके बाद 10-12 फिल्में हमने किया है तो हमारे अंदर थोड़ी सी बदलाव आई है, थोड़ा समझे हैं, हालांकि आदमी प्रतिदिन कुछ न कुछ सीखता है तो थोड़ा बहुत समझ आया है और खेसारी जी के अंदर कोई बदलाव नहीं है। देख लिए कुछ ऐसे होते हैं क्योंकि ये जब हमारी फिल्म में काम किए उसके पहले ही स्टार थे और उसके बाद ईश्वर ने और इनको कामयाबी दी और बड़ा बने और अच्छा किए, तो मेरे लिए जो इनका नजरिया है उसमें बदलाव मुझे नहीं दिखता है और ईश्वर ऐसे ही इनको आगे बढ़ाते रहे, अच्छे अच्छे काम करते रहे। और किसी को पूछना है सर? मेरे को पूछेंगे सवाल उधर से कि आपको देखना सामने है नाम आनंद जी से कैसे नजर आता है? शुक्रिया शुक्रिया, चलिए शुरू करें। तो आनंदपाली जी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है डोली सजा के रखना के रिलीज के बारे में अनाउंस करने के लिए, बताने के लिए आप कुछ ऐड करना चाहते हैं इस फिल्म के बारे में, अपने बारे में बताना चाहते हैं, किरदार के बारे में बताना चाहते हैं? इस फिल्म का किरदार मुझे लगता है रजनीश जी ने जो मेरे लिए लिखा है वो स्पेशली मुझसे बहुत सारे बदले निकालने के लिए लिखा है, क्योंकि इसमें मुझे बैड सिंगर, बैड डांसर, बैड परफॉर्मर सब कुछ दिखा दिया है, बट आई एम प्रीटी श्योर वो साइड ऑडियंस को बहुत अच्छा लगेगा। और एक चंक है फिल्म में छोटा सा जहाँ खेसारी जी मुझे डांस की ट्रेनिंग दे रहे हैं और वो सब सीक्वेंस जब आप लोग फिल्म में देखेंगे तो बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को। तो मेरा किरदार कुछ ऐसा ही है, कुछ टेढ़ा मेढ़ा टाइप का है जो स्क्रीन पर जब आएगा तो आप लोगों को देख के बहुत मज़ा आएगा। किस तरह की पेनिंग थी जिस डोली सजा के रखना में
खेसारी लाल यादव के साथ काम किया। खेसारी जी के साथ मैं जब भी शूट करती हूँ मुझे बहुत मजा आता है, क्योंकि ऑन स्क्रीन तो हम लोग हंसते ही रहते हैं सीन्स की वजह से, हमारे डायरेक्टर सर की वजह से, लेकिन ऑफ स्क्रीन किसी को एक्टर को हंसाने की क्षमता जो खेसारी जी में और किसी में भी नहीं है। हम लोग पूरे टाइम सेट पे सिर्फ हंसते रहते थे कुछ ना कुछ बात करके, और या तो गाने सुनते रहते थे। मुझे इनके सारे गाने आने से पहले मालूम रहते हैं कि अभी ये आएगा, अभी आएगा, अभी ये आएगा। नहीं है जो नहीं सुनते रहते हैं, नहीं यहाँ साथ रहते हैं। मैंने कभी उनका सीरियस होते हुए नहीं देखा सेट पे, हमेशा अच्छा माहौल रखते हैं, सब लोग को बहुत कम्फर्टेबल रखते हैं। खास बात है कि आप सबके साथ इस तरह से इतना लाइट माहौल बना के रखते हैं, इस तरह से पेश आते हैं और काम को करते कैसे करते हैं सब? उसके लिए हम 6 महीना तैयारी करते हैं, 6 महीना सोचते हैं कि झेलूंगा कैसे, तब भेज देते हैं। ऐसा नहीं, किसी को अपना बनाने के लिए तैयारी की जरूरत नहीं होती है जिंदगी में। अपने आप अगर आप अपने आप को खुश रखते हैं तो मुझे लगता है कि आपके आस पास के सारा माहौल खुश रहता है। बी पॉजिटिव जो जिसको लोग बोलते हैं, आप अगर पॉजिटिव हैं तो दुनिया में हर आदमी आपको पॉजिटिव ही दिखेगा। अगर आप नेगेटिव में हैं तो मुझे लगता है हर आदमी आपको माइनस ही दिखेगा। तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने जीवन को किस दिशा में लेकर जाना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि अगर हम सीट पे हैं तो हमारा परिवार तो वही होता है ना। हम मानने के अपने पिता के बेटा हैं, मानने के लिए हम अपनी बीवी के पति हैं, मानने के लिए हम अपने बच्चों के पिता हैं। बट मुझे लगता है सॉरी जो मैं घर पे परफॉर्म करता हूँ वही परफॉर्म तो यहाँ भी करता हूँ। हम लोग शब्दों से ज्यादा भावनाओं को समझ गए। नहीं, मेरे कहने का मतलब कि जिस तरह हमारे टीवी से भी नोक झोंक होती है, प्यार मोहब्बत होता है, बच्चों के साथ होता है, वो सारी माहौल हम लोग को सेफ में मिलती ही मिलती है। तो वो सारी चीजें अगर हमने तो वो सारी चीजें हमें करनी पड़ती है इसलिए, क्योंकि एक परिवार ही है हमारा। सिनेमा देखा जाए तो एक परिवार की तरह है। जैसे कि हमारे पिता के रोल में हमेशा रजनीश भी है, जब भी हम लोगों ने काम किया तभी हमेशा समझाना कि नहीं ऐसे करो, ये करो, वो करो। और ये बेहतर सिनेमा बनाने में कामयाब इसलिए हो जाते हैं क्योंकि सीन को एक्ट करना आता है। ये जो एक्टिंग करके हमें बताते हैं वो हमारे लिए बहुत ईजिली हो जाता है। तो हमने जब भी इनके साथ काम किया है तो हमें सपोर्ट इस तरह से मिलता है कि एक डायरेक्टर के साथ साथ एक एक्ट जो होता है, हमें कैसे बोलना चाहिए, हमें खड़ा कैसे होना है, ये सारी चीज़ें इनके अंदर वो है। और ऐसा नहीं कि ये एक्टिंग बताते हैं, ये मुझे नेचुरल बोलते हैं कि बेटा नेचुरल हो, ये चीज़ें नेचुरल कर, ऐसे हमारे यहाँ खड़ा होते हैं। तो हम तो जी के हैं कि कबूल कबूल के अभी 15 साल से इधर ना है तो थोड़ा सा गाँव तो कभी कोई बड़ा पवाल स्थिति में आ जाते हैं। तो वो सारी चीजें हैं। तो फैमिलियर आप अगर अपने आप को खुश रखना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि एक हीरो के हिसाब से मुझे लगता है कि आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपकी पूरी यूनिट आपको लेकर सफर कर रही है। एक हीरो हीरोइन का जो रोल होता है पूरी फिल्म उसी पे टिकी रहती है। अगर हम ही माइनस जोन में चले जाएंगे तो हमें लगता है कि पूरा यूनिट माइनस जोन में जाएगा और हमारा काम बेहतर नहीं होगा। तो हम लोगों की कोशिश रहती है कि जब हम ही नहीं हंसेंगे तो हमारी यूनिट कैसे हंसेगी। और सब कोई थका हुआ है, दिन सुबह 9 बजे की शिफ्ट से लोग काम कर रहे हैं, रात के 3 बजे 4 बजे जब सब नींद में मतलब माते हुए रहते हैं और बहुत थकान रहती है, उस समय जो ये जगाते हैं लोगों को, जो प्रेरित करते हैं, जो उस समय एनर्जी ये देते हैं सबको, और उसके बाद जो काम निकलवा लेने की क्षमता है इनके अंदर है। और खासियत ये भी है कि क्योंकि इनकी जो जहाँ से आए हैं वो बहुत नीचे से आए हैं और बहुत संघर्ष करके आए हैं, तो जानते हैं कि जो यूनिट के बाकी लोग आज की तारीख में संघर्ष कर रहे हैं उनसे और इनके बीच में एक बहुत बड़ा गैप है। वो जो टेक्नीशियंस और जो जो बाकी जो काम करने वाले लोग हैं और एक सुपरस्टार, उसके बीच का गैप ना हो, इसके लिए उस गैप को भरने के लिए उन लोगों को प्रेरित करते रहते हैं, ऐसा एहसास दिलाते हैं कि मैं आपके बीच का हूँ।
और वो लोग इंजॉय करते हैं उस चीज को और मोटिवेट होकर के और एनर्जी के साथ काम करते हैं। तो मुझे हाँ, the best thing about ये सारी चीज़ कि उनको अपने यूनिट के हर एक बंदे का नाम पता है, उनको लाइट वालों का नाम पता है, उनको स्पॉट वालों का नाम पता है, उनको सेटिंग वालों को, वो सबको नाम से एड्रेस करते हैं, नाम से बुला बुला के बातें करते हैं, और हर कोई ऐसा सोचता है कि मेरी पिक्चर बन रही, मैं ही प्रोड्यूसर हूँ, ये मेरा ही डीलर, तो हर आदमी भैया इनको बोलता है तो वो अच्छा लगता है। और यही शायद वजह है कि इनकी फिल्मों में वो रस देखने को आपको मिलता है, चाहे कोई भी बनाए, लेकिन वो एक आत्मीयता और एक जो रस जो होता है, जो ठेठ बना और भोजपुरी बना होती है। और हम लोगों ने डोली सजा के रखना में, तो मैं चूँकि फिल्म की मिक्सिंग वगैरह करके देख चुका हूँ, तो फर्स्ट हाफ जो फिल्म गुजरती है वो तो ऐसा ऐसी हालत हो जाती है कि हंसते हंसते आदमी, मैं डबिंग नहीं कर रही कम्प्लीटली, मैं डबिंग जब डबिंग करने गया था तो सर कुछ पहला ऐसा सिनेमा होगा, पहला नहीं है सर, जो उनके साथ करने को तो सारी चीजें होती है, बहुत सारी फिल्मों में ऐसा हुआ मेरे साथ, लेकिन इस सिनेमा में मैं डबिंग नहीं कर पा रहा था कम्प्लीटली। मैं मुझे लगा कि मैं क्या करूं यार, मैं क्या किया हूं इसमें, मैंने होता क्या ना कि यार जो नहीं बोल रहा है वो भी बोला हूँ और कितना बोला हूँ, होता है ना। तो मैं डबिंग, मुझे लगता था कि हर एक सीन के बाद, जो हमारा कम्बिनेशन चल रहा था कॉमेडी का, तो हर एक सीन के बाद मुझे 10 मिनट रेस्ट चाहिए, क्योंकि दूसरा सीन वही सेम हालत इनका भी हुआ। ये पहले दिन इन्होंने डबिंग नहीं किया, पहले दिन सिर्फ हंसी और उसके बाद बोली अब नहीं, हंसते हंसते रो दी इतना हंसी। तो वो सारी चीजें इस सिनेमा के साथ हुई, क्योंकि देखिये होता क्या ना, हर आदमी अपने जीवन में फ्रस्ट्रेटेड है, देखा कोई अपने घर से फ्रस्ट्रेटेड है, तो कोई रोजगार बेरोजगार, तो कोई नेता, तो कोई बना नहीं, तो कोई ये बन गया, तो कोई वो बन गया, तो कभी ये प्रॉब्लम, कभी वो, तो प्रॉब्लम के साथ अगर हम सिनेमा को भी प्रॉब्लम में ही डाल दें तो फिर कोई मतलब नहीं बनता। हमारी सिनेमा जो होती है इंटरटेन के लिए, इंटरटेन के साथ एक मैसेज इंसान को देना है कि हम हंसते हंसते कुछ ऐसी चीजें देख लें कि हम जीवन में हमें उसे फॉलो भी करना है कि नहीं यार, ये हमें लगता है कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू गलत है, बट वहाँ से वो सही है। क्योंकि मीरापुर से यहाँ आने का रास्ता सिर्फ ये हाईवे नहीं है, हाईवे हो सकता है जरिया, लेकिन इसके साथ कई सारे रास्ते भी कटे हैं, तो हम एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, इसलिए चीजें गलत नजर आती है, उसका कई सारे पॉइंट ऑफ व्यू है, कई सारे नैप हैं, जो अगर हम उसके बारे में भी सोचे तो हमें यहाँ आने के लिए रास्ता मिल सकता है, बट हम जानते एक है, सोचते एक है, इसलिए चीजें खराब होती है। और सिनेमा एक माध्यम है किसी को समझाने का कि मनोरंजन के साथ, अगर हम मनोरंजन नहीं देंगे, खाली मैसेजे दे देंगे तो खाली मैसेज बोर हो जाएंगे कि भाई इतना मैसेज कितना मैसेज से निकाल के मुझे व्हाट्सएप कर दो मैसेज। तो इसलिए आपको एक मनोरंजन के साथ साथ अगर हम कुछ चीज को रखते हैं तो मुझे लगता है कि वो ज्यादा घर करता है। बेटा पैदा होता है खुशी होती है, 5 दिन बाद मरता है तो ज्यादा दुख होता है। तो एक खुशी के साथ एक गम होता है कि नहीं यार, अगर हम लिख दिए होते तो चीज गलत नहीं होती, या हम इसको पहले से, तो समझाने का तरीका अगर आपके डायरेक्टर को आता है तो मुझे लगता है कि एक सिनेमा बेहतर बन सकती है। और हमारे डायरेक्टर साहब ने इसमें बेहतर तरीके से रिश्तों से लेकर और मुझे लगता है गाने तक, इसका एक भी गाना आपको फ्लॉप नजर नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है, ये मैं जानता हूँ, क्योंकि हर गाने पर हम लोग सिर्फ यही नहीं, हाँ ये दीदी ये लगातार गाने आ रहे हैं, मैं इनको सुनाते मैं 11-12 बजे रात की सोई है बेचारी, छोड़िए मैं गाना आया कि देखिए ना कैसा लग रहा है। तो कहीं ना कहीं सबका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा था, और सीन के साथ भी विदाउट डिस्कशन, देखिए इनके अंदर एक चीज़ है कि कोई भी सीन ये करती हैं तो विदाउट डिस्कशन नहीं करती, और ये ऐसा किया जाएगा तो अच्छा लगेगा, तो ये सिनेमा जीती है, तो इनके साथ एक्टिंग करना बहुत आसान हो जाता है। क्योंकि अब कभी कभी तो ऐसा हमको होता है कि हम कहना कुछ चाहते हैं और सामने वाला तो हम कुछ और है, तो वहाँ फंसता है। लेकिन अमरपाली जी के साथ अक्सर ऐसा, जब भी मैंने, मुझे लगता है कि मैंने 3 फिल्म की ना चार, तो 2 फिल्मों में, और दोनों फिल्मों में हम लोगों ने मस्त काम किया, क्योंकि मुझे इनके साथ मजा आता है, क्योंकि सामने वाला इनसे डरता बहुत है, इनकी एक्टिंग से भी मैं डरता हूँ। अमरपाली जी की मतलब जो एक्टिंग का स्किल है इनका, जो एक्टिंग इनको आता है, आजकल बहुत से बच्चे लड़के लड़कियां सब कोशिश करते रहते हैं कि हम एक्टिंग के लिए, हम लोग को अप्रोच करते रहता है, उन लोगों को देखना चाहिए कि ये लोग क्या करते हैं।
और भोजपुरी सिनेमा में अगर आप किसी टाइप का कैसा भी बेहतर से बेहतर सिनेमा अगर सोचें कि कुछ ऐसा बने या वैसा बने, तो अगर आम्रपाली दुबे हैं तो आप सोच सकते हैं कि वो किरदार आप कर सकते हैं। और मैंने इसी कड़ी में कुछ सोचा भी है, और इसीलिए सोचा है कि आम्रपाली दुबे, क्योंकि वो कुछ किरदार ऐसे होते हैं जो बियॉन्ड लिमिट होते हैं कि ये क्या कोई कर पाएगा। तो आप हैं इस इंडस्ट्री में, इस फिलहाल दौर में, तो बेहतर से बेहतर जो कुछ भी किसी फीमेल आर्टिस्ट के लिए सोचना होगा वो सोचा जा सकता है। बहुत बहुत ही बेहतर एक्ट्रेस है। रोड आपका अच्छा है ना, तो आप एक्टर को भी साथ की स्क्रीन में दबा सकते हैं। तो सबसे बड़ी चीज की ये एक रोड है, और खासकर हम लोगों ने वहाँ पे जो एंजॉय सबसे ज्यादा किया, हमारे प्रोड्यूसर साहब ने जो जिस तरीके का हम लोग को जिस तरीके रखे थे, या वो गोरखपुर के वो जो सपोर्ट किया हम लोगों ने, जिनके घर में उन्होंने शूट किया, उन लोगों ने इतना बेहतर तरीके से अपना घर, तो वहाँ लगता ही नहीं कि हम लोग अपने गाँव में, नहीं लगता है कि वो हमारा ही घर है, खेसारी जी ने हम लोग को काफी जो मटन और रोटी वगैरह जो खिलाया, क्योंकि खाने के बहुत शौकीन है, और शूटिंग के दौरान ये हर तरीके का खाना वहाँ पे जो बेहतर होता है। बेहतर खाना तो मैं नहीं मंगवाता, मैं लिट्टी चोखा बनवाता हूँ, कोई मतलब टेस्टी वाला, वो टेस्टी हर बार, हड्डी मटन जो होता है, हाँ हड्डी मटन तो, और क्या बेहतर, बेहतर में क्या खिलाओगे? मैंने आपके जीवन में खाना हड्डी मटन अच्छा है, बर्गर पिज़्ज़ा से बहुत अच्छा है, बेहतर है वहाँ का जो, और उसका पेमेंट हमने नहीं दिया, लोगों ने दिया, नाम मेरा था, लेकिन मंगवाया था उसको, मंगवाया मैंने। तो बस एक बेहतरीन फिल्म बनी, मैं सारी ऑडियंस से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग अगर बेहतरीन सिनेमा को अगर अपना प्यार और आशीर्वाद देंगे, तो हमारी कोशिश हर दिन यही रहेगी कि हम बेहतर सिनेमा ही करें, और बेहतर कहानियों के पीछे ही हमारा जीवन चलता रहे, और उस कहानी के बदौलत हम कुछ समाज को दे सकें, समाज का मनोरंजन भी करा सकें, और समाज को कुछ संदेश दे सकें। तो प्लीज़ मैं सबसे रिक्वेस्ट यही करूँगा, आप हमारे पत्रकार महोदय और मीडिया के तरफ से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप लोग डोरी सजा कर रखना, 2 सितंबर को हर पूरे ऑल ओवर इंडिया रिलीज हो रही है, जहाँ से हमारा भोजपुरी सिनेमा लगता है, तो आप प्लीज़ जाइए और अपना प्यार और आशीर्वाद दीजिए। हमारे फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर निशांत भुजबल जी हैं, जो कि बहुत अच्छा से सिनेमा रिलीज़ करते हैं, तो हमारी शुभकामना उस भाई के साथ भी है, अमर पाली जी के साथ हैं, रजनीश भैया के साथ हैं, हमारे रोशन जी के साथ हैं, दीदी के साथ हैं, और इस सिनेमा से जितने जुड़े हुए, चाहे वो लोकेशन वाले लोग हों या होटल वाले लोग हों, कैमरामैन हमारे प्रिंस भाई से लेकर, जितने डांस मास्टर से लेकर, वीडियो डायरेक्टर से लेकर, यानी एवरीथिंग जितने लोग हैं, सबको दिल से धन्यवाद कि आप लोगों ने एक अच्छी बेहतरीन सिनेमा का निर्माण किया, और आज पूरी दुनिया के सामने उसको दिखाया जाएगा। तो प्लीज़ आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि बहुत अच्छी सिनेमा बनी है, मुझे लगता है कि 2-3 साल में कितना ज़्यादा ट्रेलर का रिव्यू किसी को नहीं मिला, जो कि इस चीज़ों को मैं इस सिनेमा को मिला, तो जिस तरह ट्रेलर का रिस्पॉन्स आप लोगों ने दिया था, उसी तरह मैं चाहूँगा कि हॉल में जाकर और अपना प्यार इतना बरसाइए कि लोग मजबूर हो जाएं बेहतर सिनेमा करने के, क्योंकि बेहतर सिनेमा बहुत कम होती है, बेहतर होता है तो हमने कभी नहीं कहा कि नहीं उनका डेट है, जिसका बेहतर कॉन्सेप्ट होता है तो उसके सामने कर जाता हूँ, पहले प्रायोरिटी उन्हीं को देता हूँ मैं, ऐसा वाला नाम एकदम। तो इसीलिए आप लोग बेहतर कहानी लेकर आइए, मैं सारे लोगों से यही बोलता हूँ कि आप बेहतर कहानी लेकर आइए, ताकि मैं मजबूर हो जाऊँ उसको करने में, ये मत सोचिए कि खेसारी के पास डेट है कि नहीं, आप बेहतर कहानी लेकर आइएगा, क्योंकि हमें बेहतर कहानी की ज़रूरत है, और आपको भी बेहतर एक्टर की ज़रूरत है, तो मुझे लगता है कि अगर हम सब दोनों
मिल के सारे लोग मिल के बेहतर चीज़ों पे काम करेंगे तो हमारा भोजपुरी अब इसलिए बेहतर होगा और हमारा समाज बढ़ेगा, हमारी भोजपुरी बढ़ेगी। दो साल ढाई साल जो वेटिंग पीरियड है खेसारी लाल यादव को ऐसे हीरो लेने के लिए, लगता है खेसारी लाल यादव चूज़ी बहुत ज़्यादा हो गए हैं, सेलेक्टिव हो गए हैं। मैं 6 महीने बाद भी काम करूँ तो मुझे फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि मैं गायकी करते रहता हूँ तो पैसे कमाते रहता हूँ, लेकिन अब बहुत कर लिया है ना तो अब मुझे लगता है कि बेहतर चीज़ अगर हम करेंगे तो शायद हमारा समाज बढ़ेगा, हमारी भोजपुरी बढ़ेगी, इसीलिए मैं सिनेमा कम कर दिया हूँ। ऐसा नहीं कि मेरे पास सिनेमा की कमी है, जैसे इन्होंने बोला, इन्होंने राइट बोला कि अगर मैं डेट ना दूँ तो मुझे 3 साल बाद डेट आएगा, बट मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। मैं 2 महीने बाद सिनेमा करूँगा, मैं 4 महीने बाद सिनेमा करूँगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा। अब जो लोग नहीं मानते हैं कि नहीं भैया मेरे को डेट दीजिए, अपने पैसा लिया है, तो मैं कहता हूँ कि चल भैया तुमको नहीं हुई है तो हमको काय के लिए पड़ी। तो जो जीत करते हैं कि नहीं मुझे करना ही है, बेहतर सिनेमा मेरा है मेरेगा, उसके अगर कंट्रीब्यूशन बेहतर है तो मैं उसकी जिद भी तो नहीं कर सकता। तो जैसे अगर जाके मेरी बुराई करेगा यार मेरे को टिप नहीं देता है कि सारी पैसा ले लिया, पैसा खा के आके बैठा है जरा हीरो हीरोइन लोग पैसा खा के बैठ गए, लेकिन इनको जो बेहतर, तो कभी कभी होता क्या है कि 10 फिल्में करता है आदमी तो उसमें से 4-5 फिल्में उनके लिए कर देता है जिनको लगता है कि हम गलत कर रहे हैं, उनका उनको टिप नहीं दे रहा है। लेकिन मुझे अब लगता है कि बहुत हो गया, अब बेहतर सिनेमा करके, और जिस तरह साउथ इंडस्ट्री बताइए छोटी सी, हमसे बहुत आबादी कम होगा, लेकिन आज उन लोगों ने बेहतर काम करने की कोशिश की, तो मुझे लगता है कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा तेलुगु मूवी देखा जा रहा है और वहाँ के स्टार भी को भी सब लोग प्यार कर रहे हैं, तो हमारी भी ऑडियंस बहुत है, बसरते हमें बेहतर सिनेमा पे काम करना चाहिए। और मैं ऑडियंस से भी कहना चाहता हूँ कि जब बेहतर सिनेमा आए तो आप लोग भर भर के प्यार दीजिए, अगर खेसारी की भी अच्छी फिल्म नहीं है तो प्लीज़ आप मत जाइए। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप अगर खेसारी की फिल्म अच्छी नहीं है तो आप प्लीज़ हॉल तक मत जाइए, चाहे मैं कितना भी रिक्वेस्ट करूँ। मेरा बेटा लगड़ा है तो मैं तारीफ तो करूंगा, बट अब मत जाइए। लेकिन अगर बेहतर सिनेमा होता है, इसलिए मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि बहुत बेहतर सिनेमा, तो आप कोशिश करिए कि एक बेहतर सिनेमा को भर भर के अगर प्यार आप देंगे तो हर आदमी बेहतर सिनेमा बनाने की कोशिश करेगा। देखिए यहाँ पेट चलाने के हर आदमी काम करता है, लेकिन हम लोग कोशिश अब ये कर रहे हैं कि नहीं पेट बहुत हो गया, भर गया पेट, अब हम बेहतर काम करें ताकि हमारी भोजपुरी बेहतर तरीके से प्रेजेंट हो और बेहतर तरीके से दुनिया इसको देखे। रोशन जी एक सवाल, बहुत सारे लोग कहते हैं कि क्या फिल्म को भोजपुरी के साथ साथ किसी दूसरी भाषा में, किसी दूसरी लैंग्वेज में रिलीज नहीं किया जा सकता है, क्या इसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं? टेक्निकल एस्पेक्ट यहाँ क्या बोले, चूंकि हमारा लैंग्वेज भोजपुरी है, हम लोग भोजपुरी को फोकस करके फिल्म बना रहे होते हैं, हर स्टेट की अपनी एक कल्चर है, उस कल्चर में हमारे कल्चर की फिल्में ले जाके हम डब करके चलाएंगे तो मुझे लगता है उस स्टेट में लोग एक्सेप्ट करेंगे उसको। हिंदी के बारे में अगर बात करें क्या रहेगा उसमें, क्या प्रॉब्लम है हिंदी? आई थिंक कि भोजपुरी के साथ जो सबसे अच्छी बात है कि हम अगर चाहें कि हम कन्नड़ फिल्म समझने की कोशिश करें तो हम नहीं समझ पाएंगे, बिकॉज हिंदी और कन्नड़ बहुत ही अलग अलग भाषाएं हैं, या तेलुगु और हिंदी बहुत ही अलग अलग भाषाएं हैं, लेकिन भोजपुरी बहुत सरल भाषा है, इट इज़ वेरी मच लाइक हिंदी, और प्लस आप भारत के किसी कोने में चले जाएं, विश्व के किसी कोने में चले जाएं, आपको भोजपुरी भाषी लोग मिलेंगे। तो हमारे पास हर स्टेट में भोजपुरी में ही फिल्म लगाने में बहुत ज़्यादा स्कोप है, क्योंकि हर बेल्ट में आपको भोजपुरी बोलने समझने वाले लोग मिलेंगे। तो अगर जब तक हम ऐसी फिल्म नहीं बना रहे कि हम जनरली पैन इंडिया के सारे मल्टीप्लेक्सेस में रिलीज करने का प्लान करते हैं, तब तक हमें हमारी मातृभाषा पर भी फोकस करना चाहिए बाकी इंडस्ट्रीज की तरह, और जब भगवान की इतनी कृपा होगी और हम सबकी मेहनत से हम ऐसी फिल्में बना पाएंगे कि हम पैन इंडिया रिलीज कर सकें उसे, तब हम 3-4 लैंग्वेजेस में फिल्म को सिर्फ डब ही नहीं करेंगे, हम शूट भी करेंगे 2-3 सीन्स, ताकि हम सब हमारे दर्शक हैं, हम जो आज की तारीख में बातें करते हैं कि हमारी फिल्म यहाँ रिलीज हो जाए और लैंग्वेज में हो जाए या मल्टीप्लेक्सेस में रिलीज हो जाए, हमारी फिल्में जो यूट्यूब पे 10-10 करोड़, 20-20 करोड़, 50-50 करोड़ देखी जा रही है, वो दर्शक ही देख रहा है, पर वो दर्शक सिनेमा हॉल में नहीं जा रहा है। अब सिनेमा हॉलों की स्थिति अच्छी नहीं है, ये फिल्म बनाने वाले नहीं बना सकते, फिल्म बनाने वाले अच्छी सिनेमा बना सकते हैं। हमारी खेसारी जी की, अम्रपाली जी की, हम लोग की फिल्में 40-40 करोड़ लोगों ने देखा है, हमारी और इनकी फिल्मों को लोगों ने 150 करोड़ लोगों ने देखा, मतलब 15 करोड़ लोगों ने देखा है, 150 मिलियन व्यू है उसका। तो वो देखने वाले दर्शक हैं। टीआरपी के मामले में जब जाएंगे आप टीवी पे, तो कुछ फिल्में ऐसी हैं
जो बिल्कुल जैसे हिंदी की सूर्यवंशम है वैसी देखी जाती है, कंटिन्यू देखी जाती है हम लोग की फिल्म। दुल्हनों ये प्रिया मन भावे मुझे लगता है कि पिछले साल की सबसे लगातार देखी जा रही है, लगातार देखी जा रही है 100 मिलियन है 6 महीने 102 मिलियन। तो फिल्में हमारी देखी जा रही है पर प्लेटफॉर्म हमारा यूट्यूब है, प्लेटफॉर्म हमारा टेलीविजन है, सिनेमा हॉल में नहीं देखा जा रहा है। जिस दिन हमारी ऑडियंस सिनेमा हॉलों में जाकर देखना चालू कर देगी तो आप सोच सकते हैं कि 12 करोड़ 15 करोड़ ऑडियंस का अगर 10% 1.5 करोड़ लोग भी सिनेमा हॉल तक अगर चले जाएं तो हमारी भोजपुरी बहुत बड़ी हो जाएगी। बस यही बात है कि सिनेमा हॉल तक कोई पहुंच, ऐसा नहीं है कि हमारी फिल्में नहीं देखी जा रही, फिल्में तो हमारी मतलब इतनी देखी जा रही है जो साउथ की जितनी फिल्में देखी जा रही है उतनी हमारी देखी जा रही है। उसका पैमाना है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे उसको हम लोग उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जगह बदल गया, हाँ जगह बदल गया। आज की तारीख में ये भी है कि हमारे जो सिंगर्स हैं, हमारे जो ऑडियो कंपनी जो सिंगर्स हैं, भीड़ में कोई बड़े से बड़ी कंपनी आकर के भोजपुरी में गाने रिकॉर्ड कर रही है क्योंकि उसको पता है कि भोजपुरी का मार्केट बहुत बड़ा है। पर यही है हमारे साथ विडंबना कि हम डिजिटली बहुत ग्रो किए हैं पर जो थिएटरली जो उसका व्यू मिलना चाहिए, जो ऑडियंस का रिटेंशन मिलना चाहिए वो थिएटर में नहीं आ रहा। और बस इसी का इंतजार है कि प्रभु कुछ ऐसा करें, सब्सिडीज का गणित हो सरकार की तरफ से। जैसे अभी बिहार की बात आपने पूछा था खेसारी जी के साथ, बिहार में टैक्स जो है वो डबल है जबकि बिहार में भोजपुरी फिल्मों को उनको उदारता दिखाते वहाँ की गवर्नमेंट को टैक्स बिल्कुल बेनिफिट देना चाहिए और उस टैक्स बेनिफिट से अगर टैक्स बेनिफिट मिले हमारी फिल्मों को तो पब्लिक ने कम टिकट में फिल्में चलेंगी। मैंडेटरी शोज होने चाहिए अपने मराठी आज महाराष्ट्र में मराठी फिल्मों के लिए थिएटर में शोज अलॉटेड है कि आपको दिखाना है पर भोजपुरी की विडंबना है कि आज तक जितनी सरकारें हैं सब उदासीन रही है, एक सरकार दो सरकार नहीं सीरीज से सारी सरकारें उन्हीं स्टार को लेकर के सब कैंपेनिंग करेंगे, उनकी स्टार की महिमा और उनकी ताकत को सब जानते हैं पर उन्हीं स्टार की फिल्मों को अच्छे से एग्जीबिट करवाएं, अच्छे से दर्शकों तक पहुंचाएं, इसके लिए सरकार उदासीन है और हम लोग अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। हो सके नारायण जिस दिन प्रसन्न होंगे उस दिन कोई ना कोई ऐसा दूत आएगा जो कल्याण करेगा हम लोग भोजपुरी सिनेमा का भी। सिनेमा हम लोग अच्छा बना रहे हैं इतनी जिस कैपेसिटी में जिस बजट में, क्योंकि हमारा जो फिल्म का बजट होता है वो रिकवरी के ऊपर कैलकुलेटेड है। अगर हमारी फिल्मों का भी रिकवरी 5 करोड़ हो तो हम फिल्म 5 करोड़ की बनाएंगे, 10 करोड़ हो तो 10 करोड़ की फिल्म बनाएंगे। हमारी रिकवरी लिमिटेड है तो हमारा हम जितने रिसोर्स में फिल्में बना दे रहे हैं और जिस टाइप का ऑडियंस हमको देखने के लिए मिल रही है, जितनी ऑडियंस मिल रही है दूसरा सिनेमा इंडस्ट्री सोच भी नहीं सकता। मैं शर्मिला मैडम से एक सवाल लेना चाहता हूँ। मैडम आप महिला प्रोड्यूसर हैं फिल्म की, थोड़ी सजा करें आप सबसे कम ये शो कर सकते हैं महिलाओं को मोटिवेट करने के लिए। भैया आप थिएटर तक आइए, मैडम आप थिएटर तक आइए और फिल्म को देखिए प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो यही चाहते हैं कि हर महिला थिएटर में जाए और मूवी को देखे। उस हिसाब से हमने इस फिल्म में भी ऐसी चीजें रखी हैं जो लोगों को पसंद आए और महिलाएं पसंद करेंगी जाकर देखना। और इसके लिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि सब लोग जाएं और देखें और उससे हमारी हिम्मत को बढ़ाएं। थैंक यू। खेसारी भाई जाने से पहले फिल्म का गाना एक बार पाग बन के फिरी उत बड़ा सल्टी कि तोरा दिल के गलती बा कि मोरा दिल के गलती बा कि तोरा दिल के गलती बा कि मोरा दिल के गलती बा। मेरा फेवरेट सॉन्ग और इसमें रक्षा गुप्ता जी ने भी बहुत अच्छा काम किया और अच्छा पूरी रात जगी थी क्लाइमेक्स में इसके लिए। थैंक यू सो मच।